नमस्कार दोस्तों, साजन क्रिएशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं लौकी और गोभी के मुठिया, जो गुजराती स्टाइल मुठिया है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं सबको। तो सभी लौकी के बनाते हैं या गोभी के बनाते हैं, पर हम जो आज बनाने वाले हो मिक्स बनाने वाले हैं, गोभी और लौकी दोनों को यूज़ करेंगे। तो आइए बनाते हैं गोभी और लौकी के मुठिया। तो इसके लिए चाहिए हमें गेहूं का आटा, नहीं उससे थोड़ा मोटा आटा जो होता है वो लेंगे हम। लौकी मैंने छील के रखी हुई है और कैबेज की मैंने छीन के रखी हुई है। लौकी 250 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा है। एक बाउल ऑयल, लहसुन और ग्रीन हरी मिर्च मैंने काट के रखी है, उसको हम कूट लेंगे। धनिया, करी लीव्स, अजवाइन है, दही एक छोटी कटोरी लिया है और राई। और फिर मसाला लेंगे, लाल मिर्च पाउडर, शुगर, हल्दी पाउडर, कुकिंग सोडा, नमक और तेल। तभी हम साइड पे हम जो इडली का कुकर आता है उसमें हम पानी डाल के उसको गर्म करने के लिए रख देते हैं, जिससे कि ये साइड में गर्म हो और बाजू में हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो इसको हम ग्रीस करके इसमें रख देते हैं। अभी हम इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं, इसको हम कूट लेते हैं। तो हमने ये लहसुन और मिर्च को कूट लिया है। पहले हम लौकी डालेंगे, फिर हमारा कैबेज डालेंगे, फिर जो हमने कूटा हुआ था लहसुन और मिर्च उसको डाल देंगे, फिर जो आटा था वो हमारा वो डालेंगे। अभी हम दही डालेंगे और अजवाइन डालेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अभी 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, ज़्यादा खाते आप ज़्यादा डाल सकते हैं। 2 टीस्पून शुगर डालेंगे और 2 टीस्पून मिर्च डालेंगे। मिर्च हमने वो ग्रीन मिर्च डाली है तो ये थोड़ा कम डालेंगे, और 1/2 टीस्पून कुकिंग सोडा डालेंगे। अभी इसको मिक्स कर देंगे। अभी इसको मिक्स कर रहे हैं, इसमें लौकी का पानी ऑलरेडी आने वाला है, तो इसमें पानी चाहिए तो ही डालिएगा, ज़रूरत नहीं पड़े तो नहीं डालिएगा। देखिए आटे में पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी है और आटा ऐसे सॉफ्ट होना चाहिए। अभी इसको हम शेप देके उसमें रख देंगे। देखिए हम ऐसे बना रहे, इसको जब बनाए तब ऑयल लगा के फिर बनाएगा, जिससे कि हाथ में चिपके नहीं। और इसको हम इडली के कुकर में रख देंगे। ऐसे हम सारे बना के रख देते हैं। अभी सारे हमने इसमें रख दिए, इसका हम ढक्कन बंद कर देते हैं और इसको 20 मिनट तक पका देते हैं। देखिए अभी हम चेक करते हैं, हमारे मुठिया रेडी हो गए हैं। अभी हम इसको 10 मिनट के लिए खुला रख छोड़ देते हैं। जब तक हम मुठिया कट करते हैं तब तक हम ऑयल को गर्म करने के लिए रख देते हैं, जिससे कि ये साइड में गर्म हो जाए और हम मुठिया भी कट हो जाए। तो ऑयल गर्म हो रहा है तो हमारी मुठ्ठी कट हो गए। जो कैबेज और लौकी दोनों हैं वो दोनों हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। कैबेज जो है वो कैलोरी में 22% है, विटामिन सी भी होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। और लौकी है वो वेट लॉस करने में भी यूज़ होती है और हमारे हार्ट को हेल्दी रखती है। तो अभी हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अभी ऑयल गर्म हो गया है इसमें हम राई डालेंगे। राई जैसे ही हो जाए इसमें हम तिल डाल देंगे। अभी इसमें हम तिल डाल देंगे और जो मुठ्ठी हमने कट किए थे वो डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अभी हम इसको सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं। तो हमारे मुठ्ठी रेडी हो गए हैं। देखिए कितने यम्मी बने हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। लौकी और कैबेज का इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा है, गर्मा गर्म चाय के साथ। और लहसुन की चटनी जो खट्टी मीठी है वो भी मैंने वीडियो में डाली हुई है, उसकी लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगी, तो आप जरूर बनाइएगा। इसके साथ ग्रीन चटनी भी बना सक जो मैंने लिंक है वो भी रख दूंगी, वो भी बना के खाइए, वो भी अच्छी लगेगी। तो मेरे मुठिया की रेसिपी आपको कैसी लगी
वो जरूर बोलिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरा साजन क्रिएशन इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी जरूर फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।